रात भी हो गई है और आज का दिन तो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है हमारा सुपरमार्केट शॉपिंग डे और इसके लिए तो हम बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और ये सुपरमार्केट शॉपिंग बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज ये मकर संक्रांति स्पेशल सुपरमार्केट शॉपिंग होने वाली है। और हाँ, मैं अपने लिए भी थोड़ी बहुत चीजें ले ही लूंगी, जैसे कि आइसक्रीम, फैंटा, माजा, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, फिर चॉकलेट्स। हाँ, चॉकलेट्स को कैसे भूल सकते, थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं कि नहीं यार, इतना चलता है। और हाँ, आप में से काफी सारी गर्ल्स बोल रही थी कि आप मिया को दिखाओ, ये देखो, ये रही हमारी प्यारी मिया। हाय मिया, हाय कर, देख लो इसको। रेडी हो गई हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी है ना, सुपरमार्केट तो जाना ही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ सुपरमार्केट हम कौन कौन जाने वाले हैं। चलो चलो। तो सुपरमार्केट में मम्मी, पापा, नानी और कौन जाने वाले, बता दू। आ जाओ आ जाओ, सरप्राइज, मेरी नानी मौसी आ गई। हाय, मेरी नानी मौसी भी चलने वाली है अभी हमारे साथ सुपरमार्केट। वो नानी मौसी और नानी कब से लगाए बैठे, कब जाना है सुपरमार्केट। हो गया फिर तो सुपरमार्केट, पूरे सुपरमार्केट में धिंगाना हो जाएगा। तो ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा आएगा। चलो देखो, मम्मी है ना मेरे को पहले ही बोली है कि वहां से सुपरमार्केट से है ना कोई भी ऐसी फालतू चीज नहीं उठाती। क्या कह मम्मी, कुछ नहीं, मैं ये बोल रही थी कि मम्मी ने बोला है कि कुछ भी चीजें नहीं उठानी है, तो चॉकलेट्स वगैरह नहीं लेनी, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं उठानी है, जो सामान घर में यूज होगा वही उठाना है, ठीक, और जो संक्रांत को लगेगा वही लेना है, ठीक है। कॉस्मेटिक भी नहीं लेना है कुछ भी। पापा बाहर आओ, वाओ देखो पापा पे व्हाइट वाला ये जो शर्ट है ये कितना मस्त लगता है, कितना हैंडसम लग रहा है पापा, है ना मम्मी? वही शर्ट 4 महीने से पहन रहे थे। तो 4 महीने में एक ही शर्ट पहनने के बाद भी मैं हैंडसम लग रहा हूँ। मोए नया ट्रेंड आया, मोए। आपने बाबा चार ला दी, मुझे लगा आप पकड़ के ले गई। अच्छा मेरा थोड़ी यार, थोड़ी तो एक्टिंग क्या करो मेरे साथ में। हाँ, थोड़ा रोमांटिक जाओ, चलो चलो। आज मेरे दोनों नानियों को सुपरमार्केट ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि 20,000 का बिल कैसे होता है, और सुपरमार्केट वालों से बार्गेनिंग भी करने लगाएंगे। मस्त लड़ाई होगी, बड़ा मजा आएगा। दादाजी हमारे साथ बैठे हैं तो पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। दादाजी चले गए और मैं सामने आ गई। जब तक दादाजी गाड़ी में थे ना, सब लोग ऐसे म्यूट हो गए थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, और हमारे इतने बड़ बोले पप्पा भी शांत बैठे थे। क्यों पप्पा, अब बोलो ना, अब बोलो। आ जाओ गर्ल्स, आ जाओ, चलो आगे हम लोग सुपरमार्केट, अभी अटैक करेंगे शॉपिंग पे। ऐसे ही हम पप्पा को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। ये लो 3-3 ट्रॉली, सब लोग ले लेना एक एक ट्रॉली, ठीक है। आई है पगे ऐसे घूम कर, चलो ट्रॉली ले लो। चलो शॉपिंग हम किससे स्टार्ट करेंगे, क्या लेना है सबसे पहले बताओ। ओरियो, चलो गर्ल्स बताओ क्या ले रहे हो आप। अरे अभी संक्रांत की शॉपिंग करने की है ना, तो सारा संक्रांत का ही सामान है, ठीक है। जामुन ले, तिल ले, ओ बहुत सारे पापड़ घर पे। नो पापा नो, उधर रख दो वापस। छह पापड़ एक साथ खाएंगे तो खत्म ही होंगे ना। ठीक है, मैं तिलगुल लेती हूँ, रुको। तो ये है ना मकर संक्रांति स्पेशल शॉपिंग होने वाली है, तो महाराष्ट्र में ना तिलगुल बनाए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, तिलगुल के लड्डू होते हैं ना वो। तो ये सबसे पहले मैंने ना तिल ले लिया है और गुल लेना है। यार वैसे बताओ किस किस को तिलगुल के लड्डू पसंद आते हैं, लाओ गुल दो। ये इधर है ना इतना सारा। हाँ ले लो। खीर वाला सामान ले ले। ठीक है, हम खीर वाला सामान ले लेते हैं सबसे पहले। ये क्या है? ये खोबरे का किस। हाँ ये है खोबरे का किस। ये क्या लेके आए पापा? ये चारोड़ी रहती है, खीर में डालते हैं, इसको चारोड़ी बोलते हैं। अभी हिंदी में क्या बोलते हैं क्या मालूम। हाँ आप बताओ अगर आपको पता है चारोड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये
इलायची, हाँ इलायची भी ले ली। देखो गाइस पहले है ना ये मम्मियों की सारी शॉपिंग हो जाने दो, मतलब जो भी ग्रोसरी शॉपिंग और मकर संक्रांति की जो भी शॉपिंग, खीर वगैरह की जो भी लेना है सामान वो ले लेने दो, उसके बाद में मैं अपना असली रूप दिखाऊंगी सबको। अभी कुछ नहीं बोलते, अभी जरा शांत रहते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर इधर ही खड़े हैं पापा मेरी बातें सुन रहे हैं। पापा मुझे एक चीज लेनी है, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। चिकू बेबी के लिए प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट लेना है मुझे, मैनी पोको पैंट ले लो भाई, अब ये तो जरूरी है। हाँ ये चिकू बेबी के लिए लगता है ना यार, अभी अगर वो होता तो वो सबसे पहले यही चीज उठाता। इसमें भी चॉइस करना पड़ रहा है, ये एक्सेल है बट ये 15 पैंट्स वाला, ये हमको ज्यादा चाहिए, 15 नहीं पुरेगा चिकू बेबी को। यार तुम फिर आ गए इधर, साबुन इधर उधर, आपके पूरा गाँव धोगे बस हो गए ना, अरे दादा वाले गया सब नहीं है, 25 वाले न को दादा वाले तो गया दी नानी। हाँ नानी बोल रहे हैं 10-10 वाली साबुन लेनी चाहिए, ये 25 रुपए की बड़ी साबुन नहीं लेनी चाहिए। इसमें भी लॉजिक है, क्या लॉजिक है ना, बड़ी साबुन गल जाती है और ज्यादा वेस्ट होती, छोटे छोटे साबुन ज्यादा नहीं गलती तो ज्यादा दिन चलती। बस बोलो ना अभी पूरा गाँव धोएंगे कि ये सब लेके, कितने ले रहे हैं 25 साबुन ले रहे हैं, ये देखो ये 10 वाली मोटे ने सब तू से जाई अगर ये चल आई को ही बोल रही हूँ, मैं नानी को बोल रही हूँ कि आप ही आया करो मम्मी के साथ सुपरमार्केट शॉपिंग करने। पापा जल्दी इधर आओ, बहुत मजा आ रही है। क्यों ये देखो ये है मेरे संतूर पापा। अरे नहीं लेना है वो। रुको मम्मी को भी थोड़ा मस्का लगाते ताकि मम्मी मेरे को कुछ लेने दे, पहले ही नहीं बोली है मम्मी। ये देखो ये रही मेरी संतूर मम्मी, अब मेरे को चॉकलेट दिलाओ। हे भगवान काश हम तीनों आते जल्दी जल्दी सारा सामान ले, सुपरमार्केट में नहीं आ ले, वो है ना वीकली बाजार में आए वाले, ये दे दो वो दे दो और बार्गेनिंग करेंगे, 10 दे दो। अभी तो बार्गेनिंग के टाइम पे देखो कितनी मजा आने वाली है, आप बस वेट करो अभी बहुत मजे आएंगे। आप बस है ना इनकी बातें सुनो ठीक है, बगू तो दे 37 रुपयाला 30 मराठी तुम सांग। ठीक है ले लो ले लो, जितनी मर्जी ले लो, ये मोटा है मोटा है, खाली खाली आई खाली खाली दे ना मैं पकड़ते ना मैं। चार खाली है, ये वाली अच्छी है जैस्मिन वाली, मेरे वैल्यू ही नहीं तो पूछ रहे क्यों मेरे को, लाओ दो ना। मतलब अभी अगरबत्ती जला के घर में पूरी पाइनएप्पल की खुशबू आएगी। ऑयल लेना है भगवान का, ये देखो ये दिए में जो ऑयल जाता है ना वो लेना, ये लो। अगर मोटी थी ना भाई ये सुखा होना रे, ये रोज सका संध्या आते ना घर आते, ये दोन गेन कुटे फेस वॉश लेंगे, नानी को मैंने बोला था पाउडर पाउडर का शेवाई है, शेवाई जो खीर में नहीं जाती है वो लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो ये हम ले लेते हैं। ठीक है चलेगा, चलो इधर आओ आपको दिखाती हूँ मैं कुछ अच्छा। दिस इज कॉल्ड रोस्ट, नानी बोल रही है कि ये इसका क्या करना है, ये चिंदड़ा विंदड़ा कर देगा चिकू बेबी इसका। मामा के लिए मुझे परफ्यूम लेना है, मामा ने मेरे को बोला था कि कौन सी कंपनी का परफ्यूम लेके आना, मेंस परफ्यूम का।
ये लो मामा के लिए परफ्यूम ले ही लिया मैंने। बेचारा मामा। ये देखो मम्मी है ना मेरे लिए सोयाबीन ले रही है, मुझे सोयाबीन की सब्जी बहुत पसंद है, लाओ दो। वो भी छोटे सोयाबीन। वो भी छोटे सोयाबीन है, लाओ दो। ये सब दाल नमक ये सब लोग ले रहे हैं अभी। मेरे को कब चॉकलेट दिलाएंगे? नानी को और ऐसी क्या चीज दिखाओ जिसको नानी रोस्ट करे। मेरी नानी बहुत बड़ी रोस्टर है, बहुत मतलब बहुत ऐसे फनी है वो। किस किस को लगता है बताओ जल्दी कमेंट्स में। नानी आई मतलब आफत आ गई। देखो हाँ ले लो रेड चिली पाउडर, ये लाल मसाला वाला सवार तो ये कस गया, खराब होते गा राव देना नंतर को नहीं ना रहे छोटे दो ले लो बहरे कान के बहरे चिकन मसाला चिकन मसाला देख के मासी ऐसे खुल के देख रही है उसको मसाले को। हेलो पसंद दिख रहा है कि नहीं लेना बताओ ना, वहाँ का चुपचाप बकती है मौसी। पापा को देख रहे हैं चिकन मसाला वाला दिन खुश जाली तिला चकला बाट लग गया मंगले मटे एक दो। पापा के लिए कॉफी भी ले लेती हूँ छोटा वाला ही बोतल। अरे लेने दो खत्म हो जाती है। अरे तुम उसमें वो गीला चम्मच डाल के उसको पत्थर बना डालते। नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बोल रहे पापा। अरे नानी ही नानी पता ये बोल रही है कि ये खोके में जो मसाला होता है ना वो बस छोटा होता है मसाला, इसीलिए वो बड़ा वाला पैकेट लेना है नानी को। बट मजा आ रहा है नानी के साथ ऐसे शॉपिंग करने में। अच्छा ये रेडीमेड चटनी है तो सीधा नानी यहाँ पे नहीं बोल रही इसको देने का। आप उनके लिए ना गरी क्या करा चाय तुम्हें संग लगती। तो देखो मैं हर बार बोलती हूँ कि सैनिटरी पैड लेने के लिए ना गर्ल्स ने बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। इसमें क्या शर्माने वाली बात है यार, ये हमारे बॉडी का एक यही है, तो लेना चाहिए है ना। हाँ मुली में कोने सर में चना लाजा चना ये ताता ये रात चाहिए मुली सटी अस्त चाहिए रात चाहिए। देखो कितने सब लोग बोल रहे हैं ना, तो ऐसे शर्माना नहीं चाहिए ठीक है। श्रेयम सटी अस्त नहीं है लगता है चाहिए। ये दोनों बोल रहे कितना महंगा सामान है यहाँ पे, थोड़ा सा भी सस्ता नहीं है। तुम लोग बार्गेनिंग कर लेना फिर सस्ता करूँगा। इधर पापा क्या कर रहे मसाला? मैं पढ़ के सुना देख। कोल्हापुरी चिकन बिरयानी मसाला, नागपुर का स्पेशल सावजी मटन रस्सा मसाला, वरहाड़ी मटन रस्सा मसाला। इतना स्टडी करके मसाले कौन लेता, रखो वापस इसको। अरे मेरे रंजना ठीक है छोड़ दिया इस बार पप्पा। बीस वाला तो चांगला है पण चिकू ठेवणार नाही याला नीट। तर तुला घ्यायचं आहे का तुझ्यासाठी? नाही माझ्यासाठी कशाला, चिकूसाठी घेतला असता पण चिकू ज्याला चांगला ठेवणार नाही ग। हे बताओ किस किस को ये गेम याद है, तो मैं अपने लिए मैगी ले लेती हूँ। एक वो तीन, वैसे मैं मैगी खाती नहीं हूँ इतनी, लेकिन कृष्णा और चिकू खाते हैं ना उनके लिए ले लेते हैं। मैं तो कभी कभार मैगी खाती हूँ, और कृष्णा के लिए ये यिप्पी। बताओ आपको यिप्पी पसंद है या फिर ये मैगी पसंद है, जल्दी जल्दी कॉमेंट करो। मुझे तो मैगी पसंद है। आप क्यों इतना लहरा रहे उधर से उधर, जगह पे खड़े हो? तेरे को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ फिर आप मुझे पता है क्या चक्कर में जा रहे इधर से उधर। क्या चक्कर में जा रहा? सब पता है आपके चक्कर। बताओ ना। हरी चिकन मसाला ले लिया पप्पा ने कब का? चिकन मसाला नहीं लिया तेरी कसम। अच्छा क्या झूठ बोल रहे हो पप्पा? नहीं लिया चिकन मसाला। ठीक है ये क्या है, ये तो मटन मसाला है। तो मैं वही तो बोला तेरी कसम चिकन मसाला नहीं लिया। मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन मटन मसाला तो लिया है ना। हाँ तो तू बोली चिकन मसाला नहीं लेना, मटन लिया फिर। सच में राक्षस हो। नहीं चलो चलो। ये फोटो में देखो ना मैगी कितनी यम्मी बनाई हुई है, ऐसी मैगी तो कभी नहीं बनती। मैं बना सकता हूँ ऐसी मैगी, बना के बताया तो क्या बात रही, तेरे माँ को नहीं आता इसका मतलब ऐसी मैगी नहीं बनती, ऐसा नहीं है। कितने मिलियन थे? 30 मिलियन है।
गए पापा भाग गए। मैं ना से पीछे की मैगी उठाती हूँ। ये देखो ये और बस मैगी से भर जा रही है। यहाँ की एक लाइन खाली कर दी मैंने मैगी की। मम्मी गेस करो मैं कहाँ आई। चॉकलेट्स के पास यार ये, लेकिन इसमें ज्यादा चॉकलेट्स नहीं है, कम चॉकलेट्स इस बार। यार यहाँ पे तो सिर्फ बड़े बड़े चॉकलेट्स है। कोई नहीं, बड़े चॉकलेट से काम चला लेंगे। चार ले लेते हैं, दो मेरे दो कृष्णा के। जैसा कृष्णा के एक तो पहले ना आधे दांत कम हो गए और तो और उसका जो बच्चे कुछ है वो भी चले जाएंगे और तेरे दांतों की अभी ट्रीटमेंट करने वाली है, इसलिए एक काफी है। ये कौन सा फ्लेवर है? नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा जो चाहिए वो ले ले, पर एक ही ले। कौन सा ऑयल लेना है? ऑयल तो डब्बा के साथ अपन डब्बा ना ये बाटली है सगड़ी गरम के लिए सगड़ा तेल और पड़ देते हैं और भुक्सत पड़ लेते हैं पड़ देते हैं सगड़ा तेल सगड़ा सड़ ही गया ना। हां ही गया लोग बनाई लाई कुछ चलवासी थी ये घा नहीं है तेल आपले घर है ना ये बाटली ले खर्च ना ले कुछ चलवासी थी हेलो मैं निकल लेती हूँ यहाँ से। नानी बोल रही है कि वो जो ऑयल है ना वो बहुत गंदा गंदा वास आता है, उसका गंदा स्मेल आता है। ये ले रहा वेनिला गोल्ड, वाओ। और एक लो ना। नहीं बस हो गया। दो शैम्पू और चार कंडीशनर, क्योंकि कंडीशनर जल्दी खत्म हो जाता है। कहाँ गई मम्मी? मम्मी आपको पता है मम्मी ने मेरे को एक भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लेने दिया। मम्मी आपने मुझे एक भी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं दिलाया। नहीं नहीं तो कुछ भी उठा लेती, लगाती तो एक भी नहीं। आपने नानी के मुंह से कितने नए नए शब्द सुने ना कुमटदार। देखो दो ट्रॉली फुल हो गई हमारी, पता नहीं कितना बिल बनेगा। पापा ये वाला केक लूं? ले ले। हाँ ये लेने दिया पापा ने। चलो ठीक है कृष्णा और मैं मस्त खाएंगे ना। नानी और ये सब है ना हेयर कलर ले रहे हैं ना। रुको ये ना ये पन में तो ना क्या ले रहे? कौन सा रेड हेयर कलर? ब्लैक नानी के लिए। आई होगी तो होगी तो भारी दिसल तुझे कैसा अनवर लोको मैं लाल लाल दर्द के सोते मजे। ले लिया मैंने ये हेयर कलर। छह लिए अभी दस लेने हैं। पूरे गांव के लोगों को कलर करने के बालों के उनके लो ना। अभी है ना नानी को दिखाएंगे कितना बिल हो रहा है, फिर देखते हैं नानी कैसे बार्गेनिंग करती है। आई मैं मराठी में ही बात करती हूँ नानी से। चलो बिल देखेंगे कितना हो रहा है। देखो कितना बिल बन रहा है। कितना बिल हो गया? 13,000 बिल डाले। बाप रे 13,000? हाँ एवढा सामान होतं? हाँ आमचा तो साखर पुढं झाला होता बाबा तेवढा 13,000 रुपयामध्ये। एवढा बोल रही है की मेरी एंगेजमेंट हो गई थी 13,000। आई बार्गेनिंग कमी करायला सांग ना त्यांना। मग बरा ना थोडंफार डिस्काउंट करून लाग। पर डिस्काउंट डिस्काउंट काय किती कमी केले याचं डिस्काउंट? हां चांगला कमी कर जा ना। हमेशा येते ते तुमच्या मॉल मध्ये। हां हां कमी नाही करत काही कर जा हिसाबाने लाग जा जरा। काय बोलता का नाही कमी केली ते? हां भैया नो 15,304 हो गया है। 15,000 मैं तो किती देची 13,000 देची का बिल 15,000 हो गया। नानी बोल रहे 13,000 दे दो। देखो अभी नानी का दे दो। किसके लिए ले रहे हो बताओ? एक पापा के लिए और एक मामा के लिए। मामा के दिमाग में ज्यादा जरूरत है। अबे मैं बोलने वाली थी मामा शार्प इसलिए जरूरत नहीं है। मेरा मोए मोए हो गया बेचारा मामा। तिरगुड़ में डालने के लिए लिए। ये मीठा वाला कुछ होता है ना तिलगुल में डालने के लिए। देखो भाई साहब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही मम्मी। ये तिलगुल के लड्डू लेने का सोच रहे हो आप? घर पे बनने वाले हैं ना तिलगुल के लड्डू? तो बनेंगे उसको 4 दिन होंगे तो तब तक थोड़ा सा। हाँ गाइस मम्मी है ना घर पे तिलगुल के लड्डू बनाती है। अभी जब मम्मी बनाएगी ना तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है तिलगुल के लड्डू। देखो 18,930 बिल हुआ है। आई 19,000 बिल झाले। चल अरे नानी ने इतना गड़बड़ कर दी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिया। जाने दो एक बार आना था ना उनको। आ गए हो गए आ गई दोनों बहनों को मजा। तू वो पागल लालती नानी काय गेतो खाई काय नानी काय पागल आई ना वॉच रखने आई थी कि हम कोई दूसरी चीजें तो नहीं लेते स्पेशली पापा पे। और आपको भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम है ना जरूरत की चीजें ही लेते हैं। बैठिए आपको वीडियो बहुत लाइक करता हूं मैं। थैंक यू सर थैंक यू। सो
ये थी मकर संक्रांति स्पेशल सुपरमार्केट शॉपिंग। अब कल है मकर संक्रांति, जो हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और मकर संक्रांति की वीडियो का वेट करो।